जी बेटे, मज़मून का दूसरा पैराग्राफ देखिए जी, कि रमज़ान का चांद ज़ाहिर होते ही मुसलमान सहर और अफ्तार के खुश्क निज़ाम में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और चांद की 29वीं शाम होती है, ये 19वीं लिखा हुआ बेटे, आपने इसको 29वीं कर लेना है, तो 29वीं शाम होती है तो ग़ुरूब आफ्ताब का वक़्त काबिले दीद होता है। मकानों की छतों पर बच्चे और बड़े चढ़ जाते हैं, मगरब की तरफ नज़र जमाए देखते हैं कि हलाले ईद नज़र आ जाए। हलाल बेटे पहली रात के चांद को कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह 14वीं रात का जो चांद होता है उसको बद्र कहते हैं। पहली रात के चांद को हलाल और 14वीं रात के चांद को क्या कहते हैं? बद्र। इसी तरह मुतलकन चांद को कमर कह दिया जाता है, ठीक है जी। तो कहते हैं जी क्या हुआ जी, कि मगरब की तरफ नज़र जमाए देखते हैं कि हलाले ईद नज़र आ जाए। उस रोज़ हलाल इस कदर बारीक होता है, चांद इस कदर बारीक होता है कि उसका नज़र आना कारे दारद। आसमान साफ़ हो और किसी की निगाह हलाल की चमक से मुनव्वर हो जाए तो क्या कहने। फिर क्या समा होता है कि एक गूंज पैदा होती है, वो रहा चांद दरख्त की छोटी टहनी के साथ पत्तों की ओट में। मतलब एक मंज़र यहाँ पर बयान किया गया है, तो आप अपने अंदाज़ में भी इस मंज़र को बयान कर सकते हैं। उधर चांद नज़र आया, एक इधर चांद नज़र आया और उधर नौबत नक्कारे बजने लगे और ढोल पिटने लगे। इस कदर चहल पहल और गहमा गहमी हुई जैसे शाम की खामोशी जाग उठी। शायद इसी मौके के लिए शायर ने कहा था ना कि हंसती हुई सुबह रोज़े ईद आई है। ये शेर बेटे आप लोग यहाँ पर दर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, कि हंसती हुई सुबह रोज़े ईद आई है, लेके नए जज्बात सईद आई है। ये खुशखबरी है रोज़ादारों के लिए, रोज़े जो गए उनकी रसीद आई है, ठीक है जी। कि चूँकि ईदुल्फितर जो है वो रमज़ान गुजरने के बाद होती है, तो ये रोज़ादारों के लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। इसी इनाम की निस्बत से इस रात को चांद रात को लैलतुल जायज़ा के नाम से अहादीस के अंदर ज़िक्र किया गया है। जिस रात को हम लोग चांद रात कहते हैं, उस रात को लैलतुल जायज़ा अहादीस के अंदर कहा गया है। जायज़ा कहते हैं इनाम को, लैलतुल जायज़ा इनाम लेने की रात। तो हकीकत के अंदर बेटे ये इनाम लेने की रात होती है, जिस रात के अंदर लोग जो हैं वो लगवियात के अंदर इस रात को गुजार देते हैं। तो असल तो चाहिए इस रात में अल्लाह ताला से इबादत की जाए, अल्लाह ताला से मांगा जाए, ठीक है। तो अल्लाह ताला इस रात अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को लैलतुल जायज़ा कहा है, तो इस रात के अंदर अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से इनाम लेने की रात है। तो बजाय इसके हम लोग, हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रात को लगवियात में, फजूल बातों में, फजूल कामों में गुजार देते हैं, ठीक है जी। तो क्या कहा जा रहा है जी, शेर जिक्र मैं दोबारा किए देता हूँ। हंसती हुई सुबह रोज़े ईद आई है, लेके नए जज्बात सईद आई है। ये खुशखबरी है रोज़ादारों के लिए, रोज़े जो गए उनकी रसीद आई है, ठीक है जी। जी तो आगे क्या कहा जा रहा है जी, बच्चों के नए उजले और खूबसूरत कपड़े देखे गए, लड़कियों और औरतों ने मेहंदी लगाई, रात इसी ज़ौक़ो शौक़ में गुजर गई। सुबह हुई तो घरों में सेवैयाँ पकी खाई गईं और नमाज के लिए मुकर्रा मैदान में पहुंच गए। तो अमूमन बेटे ईद के रोज़ लोग जो हैं वो फजर की अज़ान के साथ ही बेदार हो जाते हैं, नमाज़ फजर अदा करते हैं, गुसल करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घरों में ईद के पकवान शुरू हो जाते हैं। बिलउमूम सेवैयाँ, हलवा, खीर पकाई वगैरह जाती है, मीठी चीज़ आमतौर पर पकाई जाती है। बच्चे वालदैन बड़ों से ईदें वसूल करते हैं, ईदी वसूल करते हैं, ठीक है। लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और नमाज के बाद तमाम तर लोग जो हैं वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, ठीक है। उनके घरों में जाते हैं, मुलाकात करते हैं, अगर किसी के आपस में कुछ रंजिश हो तो वो इस दिन इसे दूर करने की कोशिश करते हैं। गर्ज़ पूरा दिन जो है वो खुशी मनाने मनाते बताते गुजर जाता है, ठीक है जी। तो उसी बातों को यहाँ पर भी कुछ जिक्र किया गया है। क्या कहा जा रहा है जी, कि रात इसी ज़ौक़ो शौक़ में गुजर जाती है, सुबह हुई तो घरों में सेवैयाँ पकी खाई गईं और नमाज़ के लिए मुकर्रा मैदान में पहुंच गए। तो बेटे इस मामले में भी सुन्नत रसूल है कि घर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर से जाते ईदुल्फ़ितर को, तो कुछ खा कर जाया करते थे। रमज़ान और ईदुल्फ़ितर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत मुबारक थी कि जिस वक्त ईदुल्फ़ितर के लिए घर से जाते
तो कुछ खा कर जाते। और इसी तरह ईद उल अज़हा के अंदर ये आम तौर पर आदत मुबारक थी कि कुर्बानी करके फिर खाते थे। ठीक है जी, तो क्या कहा जा रहा है जी कि सुबह हुई तो घरों में सेवैयाँ पकी, खाई गई और नमाज के लिए मुकर्रा मैदान में पहुंच गए। मुकर्रा वक़्त पर इमाम साहब आए, नमाज पढ़ाई, खुतबा पढ़ा और दुआ के बाद लोग आपस में बगलगीर होते गए, गले मिलना और चलते गए। ठीक है जी, बच्चों के खेलने की चीज़ें यानी गुब्बारे वगैरह खरीदे। ईद के त्यौहार को बेटे हमेशा शरीयत की हदूद के अंदर रहकर गुजारना चाहिए। जो मसनून अहकामात हैं इनका अहतमाम करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी आराइश और ज़ेबाइश का अहतमाम करें, गुसल करें, मिसवाक करें, अपनी इस्तेआत के मुताबिक उम्दा से उम्दा लिबास पहनें। ठीक है जी, नया सूट सिलाना कोई ज़रूरी नहीं होता, अपनी इस्तेआत के मुताबिक आपके पास जो सबसे खूबसूरत लिबास है वो पहने, जो सबसे अच्छा लिबास है। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, माल दिया है, तो नया सूट, नया लिबास पहनने में भी हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर है। ठीक है जी, तो जी आगे क्या कहा जा रहा है जी, खुशबू का इस्तेमाल भी करना चाहिए। सुबह को बहुत जल्दी उठना चाहिए, नमाज के लिए जाना चाहिए, ईदगाह में बहुत जल्दी पहुँचना चाहिए। ईदगाह जाने से पहले अगर ईद उल फितर है तो सदकाए फितर अदा करना चाहिए। ठीक है जी, आमतौर पर हमारे यहाँ जो रमज़ान के अंदर ही सदका फितर जो है वो अदा कर दिया जाता है, अच्छी आदत है, लेकिन इसके जो वजूब होता है बेटे वो ईद उल फितर से कबल होता है कि आप नमाज़े ईद से पहले पहले अदा कर दें। ठीक है जी, तो ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना ये भी मसनून अमल है ईद उल फितर के लिए। ठीक है जी, ईद की नमाज गाह में ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा करनी चाहिए, खुला मैदान में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ते थे। एक रास्ते से पैदल जाना और दूसरे से वापस आना और रास्ते में आहिस्ता तकबीर पढ़ना ये भी मसनून आमाल में शामिल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर बेटे आप लोग एक शेर भी दे सकते हैं, ईद आई निशात का पयामी बनकर। शेर क्या है, ईद आई निशात का पयामी बनकर, हंगामो सुरूरो शादमानी बनकर। तो इस तरह बेटे यहाँ तक जो था वो ईद उल फितर का जो हिस्सा था वो मुकम्मल हो चुका। इसके बाद बेटे आप लोग ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा का तذکرہ करेंगे। ठीक है जी, तो दूसरी ईद को बेटे ईद कुर्बान कहते हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल कुर्बान। किताब देखिए क्या कहते हैं जी, दूसरी ईद को ईद कुर्बान कहते हैं, इसे कुरानी इस्तिलाह में ईद उल अज़हा या ईद उल बकर भी कहा जाता है। अज़हा तो वक्ते चाश्त को कहते हैं। ठीक है जी, अज़हा का वक्त कौन सा है, वक्ते चाश्त, जब सूरज अच्छी तरह तुलू हो चुका हो, ठीक है, और अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा हो, उस वक्त को चाश्त का वक्त कहा जाता है, सूरज मुकम्मल तौर पर जाहिर हो चुका हो। ठीक है, तो अज़हा वक्ते चाश्त को कहते हैं। चूँकि इस ईद को नमाज चाश्त के वक्त पढ़ी जाती है, इसलिए इसका नाम ईद उल अजहार हुआ। ठीक है जी, इसी तरह बकरा ईद, बकरा अरबी ज़ुबान में बकरा गाय को कहते हैं, जैसे सूरह बकरा भी आप पढ़ना पढ़ी हुई है आप लोगों ने। चूँकि ज़माना जाहिलियत में लोग गाय की पूजा करते थे और इसे मुकद्दस मानते थे, जैसे
आज भी हिंदू लोग गाय के गीत गाते नहीं थकते, तो गाय की कुर्बानी इस बात का सबूत है कि गाय दूसरे जानवरों की तरह